वेलकम बैक टू अतीशा दी का व्लॉग। वो आज दुल्हन है तो मैं उनकी इंट्रोडक्शन तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो काट देंगी है, तो मैं कर लेती हूँ इंट्रोडक्शन। वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीबडी। आई नो ये व्लॉग बहुत लेट पोस्ट हो रहा है, सम हाउ इतने सारे काम में बिजी होके नहीं पोस्ट कर पाई, और कुछ क्लिप्स भी थी जो कैमरा मैन से चाहिए थी। तो फाइनली ये व्लॉग आ रहा है, और अभी यहाँ पे हल्दी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, विच वॉज ऑन 8th of February 2023। तो यहाँ पे हल्दी के लिए मैंने बहुत सिंपल लुक कैरी किया था, तो मेकअप के लिए मेरी सिस्टर और मम्मा ही थे हेयर स्टाइल और मेकअप के लिए। और ये जो ड्रेस मैंने सिलवाई थी, ये मैंने कहीं से भी कोई साड़ी ली नहीं थी या कुछ भी नहीं था, मेरे माइंड में ऑलरेडी कुछ डिज़ाइंस थी जो चल रही थी, और मैंने बस थान से कपड़ा कटवाया था और उसी डिज़ाइन में अपने टेलर को बता के ब्लाउज़ बनवाया था और साड़ी बना ली थी उसकी। तो यस, यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ। तो यहाँ पे बुआ मुझे काला टीका लगा रहे थे कि नज़र ना लगे, और अभी मैं हाफ ही रेडी हुई थी, और ये महक पता नहीं यहाँ क्या कर रही है, मस्ती कर रही है। और इसके बाद मैं रेडी हो चुकी थी, तो मेरा लुक देखिए हल्दी का। सब मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे और मैं अकेले बैठी हूँ ऊपर। नहीं, शिवानी और महक मेरा साथ दे रहे हैं। और हाय गाइस, अभी मेरी मेकअप आर्टिस्ट आ चुके हैं और शी इज़ वेरी स्वीट। अभी मैंने इनका एक काम देखा था, नॉर्मली मैंने इनसे एक बार बात कर ली थी और मैंने बस फाइनल किया कि मुझे अब शिवानी के अलावा कहीं नहीं जाना है यहाँ पे। तो शी बिलोंग्स फ्रॉम पालमपुर। अब आगे की चीज़ें यही बताएंगे आपको। सो हे एवरीवन, आई एम शिवानी, आई एम फ्रॉम पालमपुर, एंड यस, अतीशा से ऑलमोस्ट मेरी वानियर से सारा प्लानिंग चल रही थी शादी में, कैसे हम लोग क्या करने वाले हैं। मैं इनकी शादी बहुत अच्छे से इंजॉय करने वाली हूँ। ब्यूटीफुल ब्राइड्स मिलती है तो काम करने में भी मजा आता है। आई होप सो मैं जस्टिस कर पाऊँ। बिल्कुल, सुंदर लड़की को और सुंदर बनाना डिफिकल्ट होता है। आप इंस्टाग्राम बताओ, लोग फॉलो करेंगे। यस, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है shivanikatoch.mua, तो आप उस पर फॉलो कर सकते हैं, और अतीशा तो मुझे टैग करेगी ही, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। यस एग्जैक्टली, एंड मैंने फोन पे ही अभी तक शिवानी से बात की हुई है, बट जैसे कहते हैं ना कि नेचर नेचर कनेक्ट करता है, जैसे आप होते हो वैसे लोग कनेक्ट हो पाते हैं, तो इट्स जस्ट दैट कि मैंने एक बार बात करी, उसके बाद मैं बस फाइनल कर। एक्चुअली हमारी एक ही बार बात हुई थी फोन पे, एंड इन्होंने डन कर दिया था कि ओके फाइनली मुझे अपनी शादी पे आप ही से मेकअप करवाना है। कहाँ, ये गुड़गांव से है, मैं हिमाचल से, बट यस सिनर्जीज होती है, शायद तभी इस तरह से आपस में मेल मिलाप हो पाता है। लाइक अभी जो मैं रेडी हूँ वो तो शिवानी ने नहीं किया है, बट अब इसके बाद जो मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, जैसे रिंग सेरेमनी है, संगीत फंक्शन है, एंड देन वेडिंग फंक्शन है, उसमें शिवानी ही मुझे रेडी करने वाले, तो आपको उनका लुक भी मिलेगा देखने को कि वो कैसे रेडी करते हैं। एट द सेम टाइम आपको उनके प्रोफाइल में, मेरे प्रोफाइल में पिक्चर्स भी मिलने देखने को मिलेंगी, तो व्लॉग्स में साथ में रहो। Stay tuned फॉर दैट। या सो गाइज, अब हल्दी फंक्शन स्टार्ट होने वाला, ऑलमोस्ट सब लोग रेडी होके नीचे पहुंच गए थे, वो पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराए थे, आप मजे लीजिए। एक बार और चलो 1 2 3। तो आपने देखा ना कि कितनी मस्ती करी। एक्चुअली कैमरा पर्सन जो होते हैं ना, वो बहुत 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 ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं आपके वेडिंग चीज़ों को निकालने के लिए, और जो पहाड़ी रूट साहिल है, उनकी टीम, उन्होंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से निकलवाई है, और यहाँ पे अर्पिता उन्हीं लोग से बोल रही है। कुछ कह रहे हो? मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग नाश्ता कर लो, और यहाँ पे सब लोग प्रवेश के घर वालों का वेट कर रहे हैं, प्रवेश लोग को, क्योंकि सारे ही एक दूसरे से पहली बार मिलने वाले हैं, और टन टडा। यस, सब लोग आ चुके थे और सब लोग प्रवेश को पहली बार ही मिल रहे थे, तो पहले प्रवेश मम्मी पापा से मिले आके, क्योंकि उन्हीं को जानते थे ऑब्वियसली, और फिर पापा ने उनको बताया कि हम कैसे मस्ती कर रहे थे, और अब पापा सबको मिलवाएंगे कि ये कौन है, कैसे हैं। और एक्चुअल में हमारे आना दामाद के पैर छुए जाते हैं, चाहे वो लड़की का भाई है, ताऊ है, चाचा है, चाची है, मम्मी, कोई भी है, तो प्रवेश यहाँ पर सबको मना कर रहे थे कि आप हमसे बड़े हो, आप पैर मत छुओ, और दामाद के तो छूते ही छूते हैं, उनके भी घर वालों के छूते, चाहे उनके भाई हो, चाहे कोई भी, तो
ऐसा लग रहा है कि ये सारे ना पैर छूने के लिए आए हैं, कोई भी हल्दी फंक्शन नहीं। और इसके बाद अर्पिता अपने जीजा जी यानी कि प्रवेश को सबसे मिलवा रही है, तो उसने बताया कि ये जो है ये दीदी के ससुर जी हैं, तो प्रवेश उनसे भी मिले एंड वो काफ़ी खुश थे। और फिर यहाँ पे मेरा भाई, देखिए फिर से पैर छूने की रस्म ही है, मैं ऐसा लग रहा है पैर ही छूने आए सब एक दूसरे के। और फिर वो शिखर से मिले, और उसके बाद मेरे बड़े भैया हैं प्रशांत भैया, उनसे भी मिले प्रवेश, और यहाँ पे सब एक दूसरे से मिल रहे, डैडी जी लोग भी आ गए थे। माल समझी जी हैं। आइए चलिए, ये इतना बढ़िया, आप तो ये दादी, दादी से ही तो मिलना था उन्हें। कैसा था आपका? ये बड़ी दादी है, ये बड़ी लगा कैमरा वाला कुछ जल्दी, तो इसलिए जल्दी आ गया। आपने देखा ना, इतनी मिलनी के बाद भी सारे सब पैर ही छू रहे थे एक दूसरे के, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग इतने अच्छे से मिले। डेफिनेटली एक लड़की को बहुत पसंद आता है कि उसका पार्टनर उसकी फैमिली से इतने अच्छे से मिले। एंड इसके बाद सब ने खाना वगैरह खाया, एंड आप डेकोरेशन देखिए सबसे पहले कि कितना ब्यूटिफुली इस पूरे वेन्यू को यूज़ किया गया था, इस पूरे सीन को एक सीनरी की तरह बनाया गया था। और सबसे मेजर रोल, जैसे मैंने बोला कैमरा पर्सन, उन्होंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से निकाली है। तो आप पहले डेकोरेशन के मज़े लीजिए कि कैसा डेकोरेशन हमारे हल्दी का था जो हमने डिसाइड किया था, पीछे के पहाड़, डेस्टिनेशन वेडिंग थी तो ऑब्वियसली ज़रूरी है ना मेमोरी के लिए वो आना। और उसके बाद हमारी एंट्री होने वाली थी, ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री डेफिनेटली। तो सबसे अच्छी चीज़ मैं बता दूँ कि ब्राइड के साथ जो एंट्री का सीन था वो ये था कि ब्राइड अपने इन लॉज के साथ एंटर करेगी और ग्रूम अपने इन लॉज के साथ एंटर करेंगे। तो आप पहले देखिए और बताइए कि किसकी एंट्री आपको बेस्ट लगी। भाई साइड चेंज कर, गई साइड, इस साइड, दिस साइड, डांसिंग छोड़ दो। Yeah.
मज़ा आया ना, हमें भी बहुत मज़ा आया था। और ये आइडिया अर्पिता का था, कैसा लगा ज़रूर बताना। और मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया था मैं डांस करते हुए आऊँ कि शर्माती हुई, क्योंकि सबकी नज़रें मेरी तरफ थी और घबराहट इतनी ज़्यादा थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ पे मेरी दादी और मेरी बड़ी दादी, हम दोनों को हल्दी लगाया और यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ। फिर प्रवेश की अम्मा जी और दादाजी हमें हल्दी लगाने आए और यहाँ पे अपनी अम्मा जी इमोशनल हो गए, क्योंकि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती ज़रा भी। और अम्मा यहाँ तक इतनी स्ट्रांग है कि वो इतना यहाँ तक आए हमारे लिए। सिर्फ अम्मा एक रीज़न थी जिनकी वजह से मैं अपनी पूरी फैमिली को हिमाचल लेकर के गई, ताकि वो इतना स्पेशल मोमेंट अपने पोते का मिस ना कर सके। और वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे फिर मम्मी जी और डैडी जी हमें लगाने आए, प्रवेश की मम्मी पापा, और ये है मेरे मम्मी पापा जो हमें हल्दी लगाए, और ये है प्रवेश की बड़ी मम्मी और बड़े पापा, मतलब पापा जी और बड़ी मम्मी जी। और इसके बाद मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी हमें हल्दी लगाने आए, और ये मुझे था डेफिनेटली। यहाँ पे चाचा आए और चाची आए मेरी, क्योंकि चाचा यहाँ बोल रहे हैं बैठूंगा तो गिर तो नहीं जाऊँगा, तो इसलिए हम हंस रहे थे। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई थी, जब फोटो खिंचा रही थी। और बस यहाँ पे सब बैठे हैं, सब देखते हैं क्या क्या चल रहा है। देन इसके बाद प्रवेश के भैया और भाभी आए हमें हल्दी लगाने। यस, ये प्रवेश के रियल ब्रदर हैं, बड़े भैया। प्रवेश और भैया की दो भाई हैं और ये भाभी हैं। तो ये भाभी मुझसे पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझे हंसी आ रही थी, अभी मुझे याद नहीं कि भाभी बोल क्या रहे थे, पर कुछ तो ऐसा होता कि मुझे हंसी आ रही थी। तो यहाँ पे भाई भाभी ने हमें हल्दी लगाई। तो इसके बाद मेरी प्यारी एक लौटी ननन और ननदोई जी हमें हल्दी लगाने आए, और फिर ये मेरी जो दीदी बड़ी मम्मी की बेटी उनके सास ससुर है वो हमें लगाने आए, एंड देन ये दोनों मेरे नौटी देवर। तो और ये मेरी प्यारी एक बुआ और ये मेरी बड़ी बहन जिनके अभी सास ससुर हमें हल्दी लगाने आए थे, उन्होंने हमें हल्दी लगाई। तो ये भी बहुत और ये लकी भाई ना पता नहीं मेरे पूरे फेस पे लगा के चले गए थे। और ये मेरी दोनों छोटी बहनें आई मुझे हल्दी लगाने, और इनके इसके बाद थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, बहुत ज़्यादा, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। ये वो समझ सकते हैं जिनकी रिसेंट शादी हुई होने वाली है अपनी बहन के लिए था। एंड देन मेरी छोटी भाई, मेरा नौटी भाई जो फोटो लेके जा रहा था मेरे साथ, और फिर मेरे दोनों बड़े भाई आए, दोनों मेरे बड़े भाई हैं, हमें हल्दी लगाई। एंड ये भी इमोशनल था डेफिनेटली। एंड देन मेरे दोनों छोटे भाई एक तो छोटा बिल्कुल नहीं लगता, बड़ा ही लगता है, पर दोनों छोटे हैं। और फिर अगेन मेरी दोनों छोटी बहनें आई मुझे हल्दी लगाने, एंड ये देखो बदमाश लड़की को। और ये है प्रवेश की मामा की बेटियाँ, तो दीदी लोग, और ये है मामी जी एंड मामा के बेटे मेरे देवर अगेन छुबी भाई, तो इन्होंने हल्दी लगाई। एंड देखना नहीं भैया, रिकॉर्डिंग लग गया, बता देना, लगी हुई है, लगी हुई है। श्री चलो वन, मैम मैम सामने सामने, मैम फेस इधर, या वन टू थ्री चलो। तो हल्दी का फंक्शन तो बहुत 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 मज़ेदार रहा है, और एक्चुअल में हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हल्दी का फंक्शन। और इसके बाद भी बहुत सारी क्लिप्स हैं, आप लोग बस देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, अभी तो काफ़ी कुछ बाकी है। चलो 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 चलो, लगाओ लगाओ लगाओ, लगा डालो। दिखाओ दिखाओ फेस, दिखाओ फेस, दिखाओ कैसा लगा, अच्छे से कैप्चर करो, अरे मैं इधर आओ, इधर आओ भैया, बात कर, अरे रुक जा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, सांस ले लो। ओके ओके, और उसके बाद एज यूजुअल जो ब्राइड एंड ग्रूम की फ़ोटोज़ और सारे पोजेस करवाते हैं वही सब लिए जा रहे थे, तो हम दोनों को ये भी हंसी आ रही थी कि बहुत हो गया यार, कितना बार बार एक दूसरे को देखें। यस, तो एक्चुअल में ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि फ़ोटोशूट देना, शॉट्स देने, क्योंकि बाद में आपको यही सब याद रहता है, और जितना ज़्यादा दे सकते हो उतना ज़्यादा करना है, तो बहुत अच्छा रहता है।
तो बस इसके बाद मेरा और अर्पिता का शॉट आने वाला था, क्योंकि हमने भी अपना एक शॉट लिए थे तो हमने वो भी दिया, तो आप देखो, क्योंकि सिस्टर शॉट लेना तो बहुत ज़रूरी है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे सोच रही थी मेरी दोनों छोटी बहनें, मतलब चाचा की जो मेरी बेटियाँ हैं, वो कहाँ पर है, और बाद में मैंने उन्हें ढूंढ लिया था आखिर, और ये शॉट एक्चुअल में बहुत अच्छा आया है यार। ये सब मोमेंट ना बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद मेरी छोटी बहन यानी कि विधि, चाची की बेटी, मेरी जान, ये आ गई थी अगेन, इसने हमारे साथ फोटो खिंचाई एंड वीडियो बनाया, मैं ढूंढ ही रही थी कहाँ है। और फिर बस वो हमें यही सब शॉट दिला रहे हैं, टेक दिला रहे हैं। आप हमारी मस्ती रही, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी, बाय बाय।